कंपटीशन की तैयारी है, एक प्रकार से रिवीजन ही हो जाएगी अगर हम एमसीक्यूज करें विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 81, द मैंडेट ऑफ आर आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट। देखिए, डिस्प्यूट होने पे आर्बिट्रेशन बना तो लेते हैं, तो सवाल ये है कि उसका मैंडेट कब खत्म होगा, मतलब उसकी अथॉरिटी जो होती है वो कब खत्म होगी। ऑप्शन वन, व्हेन ही विथड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर एनी रीजन, या फिर ऑप्शन टू, व्हेन ही बिकम्स डिज्यूरी और डिफैक्टो अनेबल टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले। थर्ड ऑप्शन है, व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड टू टर्मिनेट आर्बिट्रेटर्स अथॉरिटी, या ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी ट्रू हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन सही हैं, आर्बिट्रेशन का मैंडेट खत्म हो जाता है। ऑप्शन वन भी सही है, जब वो विड्रॉ कर जाएगा अपने ऑफिस से। ऑप्शन टू भी सही है, जब वो एक्ट ही नहीं कर सकता है, डिफेक्टो मतलब इनफैक्ट उसका काम खत्म हो चुका है। और ऑप्शन थ्री भी सही है, जब पार्टीज ही एग्री कर गई हैं तो आर्बिट्रेशन की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, फ्रेश एडवोकेट्स, खेलें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर का क्विज कंपटीशन और जीतें लाखों के इनाम। Join Telegram group today. The link is given below in the description. Next, when the mandate of an arbitrator terminate, जब आर्बिट्रेटर का मैंडेट टर्मिनेट होता है तो वो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नो अदर आर्बिट्रेशन शैल बी अपॉइंटेड, किसी और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अ सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड, आर्बिट्रेटर को बदल के दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा। द मैटर शैल बी सेंट टू द कोर्ट, या फिर द डिस्प्यूट शैल रिमेन अनडिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर्स। और इसका राइट आंसर है इस सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड, ऑब्वियसली दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल रूल, ऑप्शंस हैं एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन, एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पार्टीज, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। और इसका राइट आंसर है On its own discretion, exactly, क्योंकि arbitral tribunal अपने आप में एक court है, that is a tribunal court. Next, the party applying for the enforcement of a foreign award shall produce before the court. देखिए, अगर कोई पार्टी foreign court award, मतलब इंडिया के बाहर किसी कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया हो, उसे प्रोड्यूस करना हो कोर्ट के सामने, ट्राइब्यूनल कोर्ट के सामने, तो चार ऑप्शंस क्या हैं? ओरिजिनल अवार्ड और कॉपी देयर ऑफ ऑथेंटिकेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, या तो कोर्ट के डिसीजन की ओरिजिनल कॉपी होगी, या ऑथेंटिकेट किया गया होगा बाय द कोर्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में किसी द्वारा अटेस्ट किया गया हो। सेकेंड ऑप्शन है ओरिजिनल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ, एग्रीमेंट की कॉपी या उसकी अटेस्टेड कॉपी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। थर्ड ऑप्शन है सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी टू प्रूव दैट द अवार्ड इज अ फॉरेन अवार्ड, ऐसा कोई भी दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि ये फॉरेन अवार्ड है। ऑप्शन फोर तो कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी सही हैं। ऑल ऑफ द अबव, यस, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में, द ऑप्शंस है अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट्स टू रिपोर्ट टू इट ऑन स्पेसिफिक इश्यूज टू बी डिटरमाइंड बाय इटसेल्फ, एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स को वह अपॉइंट करेगा जो उसको रिपोर्ट करेगा। सेकेंड ऑप्शन है अपॉइंट ओनली वन एक्सपर्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन स्पेसिफिक इश्यूज टू बी डिटरमाइंड बाय द ट्राइब्यूनल, या फिर सिर्फ एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा जो कि उसको रिपोर्ट करे। ऑब्वियसली अपॉइंट अ कोर्ट रिसीवर टू रिपोर्ट स्पेसिफिक इश्यूज, कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करेगा जो सिर्फ स्पेसिफिक इश्यू को ही रिपोर्ट करे। और लास्ट ऑप्शन है मे अपॉइंट कोर्ट कमिश्नर्स टू रिपोर्ट स्पेसिफिक इश्यूज। और इसका राइट आंसर है
अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट टू रिपोर्ट टू इट, मतलब एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट को वह अपॉइंट कर सकता है जो उसको रिपोर्ट करे. विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शंस हैं द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, या द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज बाउंड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट 1870. या ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, या नोटा मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. और इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट. मतलब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सीपीसी या एविडेंस एक्ट के साथ बाउंडेड नहीं है. द प्रोविजन विच प्रोवाइड्स फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पार्टीज बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज लेड डाउन अंडर, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के कौन से सेक्शन में म्यूचुअल सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ है. और इसका राइट आंसर है सेक्शन 30. बाकी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन हो ही ना. सेक्शन 30 में म्यूचुअल सेटलमेंट के बारे में बताया हुआ है इन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे बाय ऑर्डर टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स व्हेन. अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर करेगा किस बारे में कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो शुरू की गई हैं बाय द पार्टीज ऑफ कोर्स उसको खत्म कैसे किया जा सकता है. ऑप्शंस क्या हैं, व्हेन द पार्टीज हैव म्यूचुअली एग्रीड टू सीक टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स. मतलब जब दोनों पार्टीज जो हैं वो आपसी सहमति से ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को खत्म करने का डिसीजन लें, फैसला लें. सेकेंड ऑप्शन है व्हेन द क्लेमेंट विथड्रॉज हिज डिस्प्यूटेड केस एंड विच इज नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट. मतलब जिसने क्लेम किया था कि डिस्प्यूट हुआ है वह अपना डिस्प्यूट मतलब जो अपना क्लेम है वापस ले लेता है और रिस्पोंडेंट भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि ठीक है नो प्रॉब्लम. थर्ड ऑप्शन है व्हेन द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल थिंक्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स. जब ट्राइब्यूनल खुद सोचे कि अब आगे प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है. डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. एग्जैक्टली ये सभी ऑप्शन सही हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 89, वेयर द चैलेंज टू द आर्बिट्रेटर इज नॉट सक्सेसफुल. अब आर्बिट्रेटर को चैलेंज किया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा. ऑप्शंस हैं द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल स्टे द प्रोसीडिंग्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पार्टी टू टेक एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑर्डर. वो ट्राइब्यूनल की कार्रवाई को रोक देगा, पार्टीज को मौका देगा कि जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट कर लें. या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि ट्राइब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बट शैल नॉट मेक आर्बिट्रल अवार्ड till the disposal of proceedings if any initiated by the party challenging the arbitration against the said order. Tribunal jo hai apni karwai ko continue rakhega agar iske against party ne koi apni legal karwai shuru kar di hai to bhi ye chalta rahega kaarya. Third option hai the arbitral tribunal shall continue the arbitral proceedings and make the award. Koi fark nahi padta bhai, ve apni karwai jari rakhega और अवार्ड भी दे देगा, मतलब डिसीजन भी सुना देगा. लास्ट ऑप्शन है कि ट्राइब्यूनल शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु हैज चैलेंज्ड द आर्बिट्रेटर. जो ट्राइब्यूनल है वह कार्रवाई को जारी तभी रखेगा जब पार्टीज जो हैं वो सहमति जताएं, जो पार्टी ने चैलेंज किया है वह सहमत हो कि कार्रवाई जारी रखे. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है. और इसका राइट आंसर है द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड मेक द अवार्ड. वह अपनी कार्रवाई जारी रखेगा और डिसीजन भी लेगा. सिंपल सी बात है, चैलेंज हुआ जरूर था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए कार्रवाई जारी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन कॉस्ट अंडर सेक्शन 31 मीन्स रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू. ये कॉस्ट किससे रिलेट करता है जो सेक्शन 31 में कहा है. रिमेंबर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अंदर ये क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं द फीस एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स. ऑप्शन टू है एडमिनिस्ट्रेशन फीस ऑफ द इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजिंग द आर्बिट्रेशन
थर्ड कहता है सिर्फ ए आंसर ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बोथ ए और बी सही है, और इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी सही है। फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीस ऑफ द इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजिंग द आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 32 द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल। यस, जब ट्राइब्यूनल होता है उसमें भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है। हमारे पास चार ऑप्शंस क्या हैं? अ केस हैविंग रेफरेंस टू एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सेकेंड ऑप्शन है अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, थर्ड ऑप्शन है इंटरम अवार्ड मेड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। क्या इंटरम अवार्ड पे ये एप्लीकेबल होता है? फोर्थ ऑप्शन तो कहती है ए एंड बी, मतलब दोनों करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। यस, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, मतलब अ केस विच इज पेंडिंग इन द आर्बिट्रल कोर्ट, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में कोई केस चल रहा हो, या अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा हो, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है। सो रिमेंबर, इंटरम अवार्ड पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि एमसीक्यू करने से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड by the arbitral tribunal has to be made by the party। अब अगर कोई करेक्शन करनी हो किसी इंटरप्रिटेशन की, जो arbitral award मतलब जो डिसीजन दिया गया है, तो इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं? ऑप्शंस है 60, 30, 90, नोटा मतलब इसमें से कोई भी नहीं, और इसका राइट आंसर है 30 days। सेक्शन 34 ऑफ 1996 एक्ट इज एनालॉगस टू, अब ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है 1940 में भी था लेकिन इसको चेंज कर दिया था, और 1996 में दूसरा एक्ट आया था सिमिलर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का। तो अब क्वेश्चन ये है कि 34 सेक्शन जो है वो किससे बिल्कुल मेलजोल खाता है, कौन से सेक्शन से बिल्कुल मेलजोल खाता है, सेक्शन 30 ऑफ 1940 का एक्ट, या सेक्शन 28 ऑफ 1940 का एक्ट, या सेक्शन 32 ऑफ 1940 का एक्ट? नोटा मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसका राइट आंसर है सेक्शन 32 ऑफ 1940। सो सेक्शन 34 1996 का बिल्कुल सेम है सेक्शन 32 ऑफ 1940 का, बोथ आर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 32, 36 या 34, या इनमें से कोई भी नहीं, नोटा, और इसका राइट आंसर है सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, सेटिंग असाइड मतलब उसे ना माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय अ कोर्ट इफ, अब ये कोर्ट द्वारा है, ऑप्शंस हैं द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कंफ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, मतलब जो मैटर है, केस है, वो आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन कहती है ए और बी दोनों रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई? ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आल्सो ऑन डिसीजन ऑफ द पार्टी इफ दे वांट टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड द एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन 3 months, 30 days, 90 days or 40 days, and the right answer is 3 months। जी हाँ, within 3 months you have to make an application if you want to set aside the arbitral award। Next question: the delay in making an application for setting aside the arbitral award under section 34, मतलब if a client is delayed
to request the tribunal to set aside the arbitral award, section 34 has a remedy. Section 34 कहता है कि अगर आप लेट हो गए हो एप्लीकेशन देने में तो पहला ऑप्शन कहता है कि इट cannot be condoned. सेकेंड ऑप्शन कहता है कि 30 दिन तक की देरी माफ कर दी जाएगी. थर्ड ऑप्शन कहता है कि 60 दिन तक की देरी माफ कर दी जाएगी. लास्ट ऑप्शन कहता है कि भैया 90 दिन तक की देरी को माफ कर दिया जा सकता है. लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? कैन बी कंडोन्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज. मतलब सेक्शन 34 कहता है एप्लीकेशन देने में देरी हो गई है, नो प्रॉब्लम, आप फिर भी 30 दिन के अंदर अंदर दे सकते हो. सी, मेरे MCQs को स्टडी करने से कम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है कि हर एक चीज के लिए आपको लिमिटेशन एक्ट का बेयर एक्ट उठाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड. ऑप्शंस हैं सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज एप्लीकेबल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपके पास है. सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट आर्बिट्रेशन में दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना. डिले इन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड. ऑप्शंस हैं कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कैनॉट बी कंडोन्ड बाय इनवोकिंग सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, may be condoned under section 5 of limitation act as per discretion of the court. Last option कहती है कि A and not B or C. मतलब सिर्फ A ठीक है, B और C ठीक नहीं है. इसका right answer क्या होगा फिर? Cannot be condoned by invoking section 5 of limitation act, which means हमें limitation act की जरूरत ही नहीं है, section 34 में दिया हुआ है already. Next question, section 39 deals with, देखिए हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक्ट कर रहे हैं तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं. ऑप्शंस हैं कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, फीस ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अनपेड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नोटा. इसमें से राइट आंसर कौन सा है? अनपेड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. सेक्शन 39 आर्बिट्रेशन एक्ट का डील करता है विद द कॉस्ट विच आर अनपेड टू द आर्बिट्रेशन. नेक्स्ट, सेक्शन 38 के बारे में पूछा गया है, वो किस चीज से डील करता है? कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या अनपेड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? इसका राइट आंसर क्या है? फिक्सेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन. मतलब सेक्शन 38 किससे डील करता है यह भी कवर हो गया है. हमें सेक्शंस भी याद हो रहे हैं, सो MCQs जरूर कवर करें. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन 41 किससे डील करता है? प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी या प्रोविजन इन केस ऑफ डेथ या प्रोविजन इन केस ऑफ माइनर या नोटा, इनमें से किसी से भी नहीं डील करता. इसका राइट आंसर क्या है? प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी. सेक्शन 43 किससे डील करता है यह भी याद हो जाएगा. ऑप्शंस क्या हैं? ज्यूरिस्डिक्शन से, लिमिटेशन से या फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड से या नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर क्या है? लिमिटेशन से. सेक्शन 43 डील करता है लिमिटेशन से. सी, ये जितने क्वेश्चन सिंपल है ना, ये उतने ही खतरनाक होते हैं क्योंकि हमें सेक्शंस नहीं याद रहते हैं. तो MCQ ध्यान से मेरे लेक्चर्स में जरूर करें और रिपीट भी करें. आप कुछ और भी काम कर रहे हो तो वो काम करते रहें और मेरा ये वीडियो लेक्चर चलाते रहें. बैकग्राउंड में एटलीस्ट आपको पता लगता रहेगा कि सेक्शंस किससे डील कर रहे हैं और आपकी रिवीजन हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉरेन अवार्ड इज डिफाइंड अंडर, कौन से सेक्शन में दिया गया है फॉरेन अवार्ड के बारे में? नहीं पता तो ऑप्शंस देख के भी आप सही आंसर नहीं दे पाओगे. अभी कर लेते हैं. इसका राइट आंसर है सेक्शन 44. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 48 लेज डाउन द प्रोविजन फॉर फॉरेन अवार्ड, पावर्स ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ फॉरेन अवार्ड या कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स.
Section 48 lays down the conditions for enforcement of foreign awards. Next question. Under Section 48, contrary to public policy of India, what does it connotes? Char options hain, interests of India, justice or morality. Third option hai, fundamental policy of Indian law. Last option kehti hai, all of the above. Aur iska right answer hai. All of the above. Matlab it connotes interests of India, justice or morality, and fundamental policy of Indian law. Next question is part 2 of the Act deals with New York Convention Awards, Geneva Conventions, Conciliation, ya fir both A and B, matlab New York Conventions or Geneva Conventions. Ab part 2 kisse deal karta hai? What is the right answer? Both A and B, matlab part 2 of the Act deals with New York Convention Awards and Geneva Conventions. Next question, part 3 of the Act deals with Unilateral, Geneva Conventions, Conciliation and New York Convention Awards. What is the right answer? Conciliation. Part 3 of the Act deals with Conciliation. Simple questions hain. Part 1 of the Act deals with Unilateral, Geneva Conventions, Conciliation or Domestic Arbitration. What is the right answer? Domestic Arbitration. Yes, Part 1 of the Arbitration Act deals with Domestic Arbitration. Next question. Section 61 of the Act is in pattern of Unilateral Conciliation Rules, Geneva Conventions, Conciliation ya fir Nota, matlab none of the above. Iska right answer kya hai? Unilateral Conciliation Rules. Yes, Section 61 is in pattern of Unilateral Conciliation Rules. Next question is, conciliation proceedings are incorporated under which section bhai? Section 61 to 81 of the Part 3 of the Act? Ya fir Section 60 to 81 of Part 3 of the Act? Ya fir Section 59 to 68 of Part 3 of the Act? Ya fir Nota, matlab none of the above? Iska right answer kya hai bhai? Section 61 to 81 of Part 3 of the Act. This is the right answer, where the conciliation proceedings are incorporated. Next question is, Part 3 of the Act shows the importance of. Kiski importance Part 3 mein batai gayi hai? Voluntary conciliation, involuntary conciliation, directive conciliation, ya fir nota, matlab none of the above. And the right answer is voluntary conciliation. Next question. The conciliation proceedings, iski char options hain, can be used as evidence in any judicial proceedings. Second option kehti hai, can be used as evidence only in arbitral proceedings. Third option says, can be used as evidence only on the discretion of the judge or arbitrator. Fourth option kehti hai, cannot be used as evidence in any arbitration or judicial proceedings. To bhai, iska right answer kya hai? The right answer is, cannot be used as evidence in any arbitral or judicial proceedings. Matlab ye evidence ke taur pe use hi nahi ho sakti hai. Baat hi khatam. Next question is, conciliation proceedings. Ab iski char options hain. Cannot be terminated later. Second option, can be terminated only by judge of high court. Third option hai, can be terminated by a written declaration by a party to the other party. Last option to kehta hai ki B and C ye dono sahi hain. To iska right answer kya hai? Iska right answer hai, can be terminated only by judge of high court. Next question. Conciliation proceedings shall commence.
इसकी ऑप्शंस हैं, कब शुरू होती है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, व्हेन बोथ द पार्टीज कम टू अ रिटन एग्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन व्हेन रिटन इनविटेशन टू कंसिलिएशन इज मेड टू द अदर पार्टी, थर्ड ऑप्शन है व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री फॉर कंसिलिएशन म्यूचुअली, फोर्थ ऑप्शन तो कहती है नोटा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, एंड द राइट आंसर इज When written invitation to conciliation is made to the other party, लिखित रूप में जब दूसरी पार्टी को दिया जाता है तब conciliation proceedings शुरू हो जाती है। In conciliation, conciliation में क्या होता है, चार options हैं। The parties come to settlement after the award of the conciliator. Second option, the parties come to a settlement without making of any award by the conciliator. Third option, the parties come to any settlement only after the agreement of settlement or conciliation is signed in front of the conciliator. Last option तो कहती है nota इनमें से कुछ भी नहीं है. नहीं भाई, अगर conciliation है तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होती है. So the right answer is when the parties come to a settlement without making of any award by the conciliator. ये होता है conciliation में. Next question. The power and functions of the conciliator has been laid under which section? Options हैं section 64, 62, 67 या 63. इसका right answer क्या है? सेक्शन 67 पावर्स एंड फंक्शंस कॉन्सिलिएटर के दिए हैं सेक्शन 67 में. एज सिंपल एज दैट. बोर मत होना, लेक्चर लंबा है. शॉर्ट्स टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, उसकी आदत पड़ गई है. बट रिमेंबर दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इसलिए ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्सिलिएटर इज लेड अंडर सेक्शन 64, 62, 67 या 63. एंड द राइट आंसर इज सेक्शन 64. सेक्शन 64 में प्रोविजंस हैं कॉन्सिलिएटर की अपॉइंटमेंट के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सिलिएटर इज रिक्वायर्ड टू बी बाउंड बाय, भाई वो बाउंडेड किससे है, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. लास्ट ऑप्शन कहती है ए और सी. इसका राइट आंसर क्या है फिर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. कॉन्सिलिएटर बाउंड सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से है. रिमेंबर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पे क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर लागू ही नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर लेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 76, 74, 73 या फिर सेक्शन 77. इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 76. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 73 की प्रोविजंस क्या कहती हैं? ऑप्शंस हैं कॉस्ट के बारे में कहती है या फिर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स. थर्ड ऑप्शन कहती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कहती है या फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में. एंड द राइट आंसर इज सेटलमेंट एग्रीमेंट. यस, सेक्शन 73 लेज डाउन द प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट एग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म फेयरनेस एम्बॉडीज, मतलब फेयरनेस क्या कहता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शंस हैं द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी या फिर द कंसेप्ट ऑफ अनबायसनेस. लास्ट ऑप्शन नोटा. तो इसका राइट आंसर क्या है? द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट फोर ऑफ द एक्ट डील्स विद जेनिवा कन्वेंशंस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस. नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव. और इसका राइट आंसर क्या है? सप्लीमेंट्री प्रोविजंस. पार्ट फोर ऑफ द एक्ट डील्स विद सप्लीमेंट्री प्रोविजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 76, 73, 74 या 75. And the right answer is
Section 75. Principle of confidentiality is laid down under Section 75. Next question is, the principle of cooperation is laid down under Section 71, 72, 74 or Section 75. Kaun se section mein hai? The right answer is Section 71. The principle of cooperation is laid down under Section 71 of the Act. Finally, we come to the last question. Section 30 of the Act lays down the provisions for the mutual settlement of dispute by parties before the arbitral tribunal, form and content of the interim award, termination of the proceedings of an arbitral tribunal, or correction and interpretation of an arbitral tribunal. The right answer is mutual settlement of disputes by parties before the arbitral tribunal. दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव.